नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दीपावली बीत चुकी है और भारत अब पाकिस्तान को एक और झटका देने वाला है, क्योंकि दीपावली के बाद जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत के दौरे पर आने वाली है। जर्मनी के चांसलर की यात्रा 3 दिनों की हो सकती है। दीपावली के बाद ये यात्रा 1 नवंबर से शुरू होगी। इससे पहले जर्मनी की चांसलर 2017 में भारत की यात्रा पर आई थी। अब इसी को लेकर विदेश मंत्रालय काफी सक्रिय हो गया है और यात्रा को लेकर काफी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। अभी ये साफ नहीं है कि किन किन मुद्दों पर बात होगी, लेकिन ये बात तय है कि कई बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत जर्मनी समझौता कर सकते हैं। इस दौरे में जर्मनी के चांसलर भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। जर्मनी भारत के साथ व्यापार को और तेज करना चाहता है। इसके साथ ही साथ रक्षा और पेट्रोलियम जैसे कई अहम मुद्दों पर बात करके भारत जर्मनी के साथ अपने रिश्तों को और आगे ले जाना चाहता है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी और जर्मन चांसलर एक दूसरे से बात कर भारत जर्मन रिश्ते को और आगे ले जाना चाहते हैं, इस दोस्ती को यादगार बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मर्केल भारत के बड़े उद्योगपतियों के साथ भी बातचीत करेंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी मर्केल मुलाकात में दक्षिण एशिया में शांति और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले भी दूसरी सरकारों में भी भारत जर्मनी के रिश्ते मजबूत होते रहे हैं। इसी का नतीजा था कि 370 पर जर्मनी ने खुले तौर से पाकिस्तान को डांट पिलाते हुए भारत का साथ दिया था और कहा था कि ये भारत का निजी मामला है, इसमें पाकिस्तान का कोई मामला बनता ही नहीं। वहीं यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाक का ये दांव खुद उसी पर ही भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि विश्व समुदाय के सामने इमरान खान इतनी बार गिड़गिड़ा चुके हैं, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। और यही कारण है कि UNHRC में पाकिस्तान जरूरी वोट भी नहीं जुटा सका, जिसके कारण पाकिस्तान का बिल पेश नहीं हुआ। इससे ये बात समझी जा सकती है कि पाकिस्तान का क्या हाल है और लोग भारत का समर्थन क्यों कर रहे हैं। यही नहीं, दक्षिण समेत मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ जाना सही समझ रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के PM इमरान खान को डांट भी लगाई और कहा कि कश्मीर राग अलापना बंद करो। इस बीच जर्मनी की चांसलर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि इस बार होता क्या है